हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइस, विंडोज 10 और 11 में आप अपने लॉक स्क्रीन की जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सा प्रोसेस है, विंडोज ने आपको ये ऑप्शन डायरेक्टली दिया हुआ है। तो कैसे आप देख सकते हैं, मेरे जो स्क्रीन है ये लॉक स्क्रीन है अभी, इसको मैं लॉग इन करता हूँ सबसे पहले। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया और इसको लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद आप जाएंगे सीधा स्टार्ट बटन पर। ठीक है, मैं यहाँ पर विंडोज 11 में आपको बता रहा हूँ, 10 में भी लगभग सेम प्रोसेस है, स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा। तो 11 में आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपके पास पर्सनलाइजेशन आएगा। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड में नीचे ऑप्शन आ जाएगा लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन में आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है ब्राउज फोटो करके। यहाँ पे प्री डिफाइंड वॉलपेपर भी है जिनको आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्राउज फोटोज आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपनी डायरेक्टरी में से मनपसंद फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये फोटो सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने इस फोटो को, यहाँ पे चूज पिक्चर कर दिया। चूज पिक्चर करने के बाद ये फोटो यहाँ पे सेट हो जाएगी। देन यहाँ पे आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं और स्क्रीन लॉक करके देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है वो चेंज हो चुकी है। छोटा सा प्रोसेस है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।